ये कहानी है सन 1900 की, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। ये गांव है रानीबाग। इस गांव के लोग बहुत भले, मेहनती और साहसी हैं। एक दफा अंग्रेजों के अपने घमंड और अहंकार की वजह से इस गांव के लोगों से मात खानी पड़ी। आइए देखते हैं रानीबाग की वो कहानी। अरे पिंकी भाई, क्या कर रहे हो? अब से 100-150 साल बाद ना हम शुद्ध वायु को तरसेंगे। ओहो, 100-150 साल तुम जी लोगे? 100-150 साल तुम्हारा कल का ना पता। अरे कल की बात छोड़ो, तुम्हारा अब का ना पता। क्या पता कहीं ठोकर खा के मर जाओ। अरे यार कोई तो जिएगा, ये पेड़ वेड़ सब कट देंगे ना, पंछियों के लिए कुछ बैठने का जुगाड़ बना लेंगे। कबूतरों का अड्डा बना रो, कबूतर बाज आदमी। पर मैंने यार कितने खरे खरे कबूतर पाल लगे थे, जड़सा, कलदुमा, ललदुमा, सहारनपुरी, सब बिल्ली खा गई। मैं सोच रहा तुम्हें दे दूं। 22 जोड़ी कबूतर लेकर आया हूँ। अतीक के लोंडे से बहस है, 29 तारीख को कबूतरबाजी होगी। खून फूका पड़ा मेरा, कबूतर पलटी खिलवाता है ना। तू देख ना लड्डू, 29 तारीख में जब कबूतर उड़ेंगे ना तो आसमान भर भर आ जाएगा, भर भरा। तू अड्डा ठुकवा दे। पिंकी भाई, ये बाजी हम जीतेंगे, पूरे गाँव में भर्रा कट जाएगा, भर्रा। चल जा, तीस पैसे ठोक दे। लाओ हथौड़ी दो यार। अरे भैया रे, अरे भैया रे, पिंकी भाई फुलझड़ी साले रोके दिखा रही यार, बहुत जल्दी। इतना डर रहा है, इतना है ते ऊपर तो ना चढ़ा हुआ तू यार, जितना तू चिल्ला रही है पूरा जंगल सिर पर उठा रखा तूने। ठोक जल्दी यार, बात ना तो बेचा डूब के मर गया, गांव वालों बेचा डूब के मर गया, चलो जल्दी। बेचा डूब के मर गया, 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 चलो जल्दी। बेचा डूब के मर गया, बेचा डूब के मर गया, बेचा डूब के मर गया, गांव वालों बेचा डूब के मर गया, बेचा डूब के मर गया, गांव वालों चलो जल्दी। अरे पिंकी भाई, ये क्या कर रहे हो? तेरी भाभी, उसे लगना तो चाहिए मैं हीरो टाइप का आदमी यार। जैसी हरकतें तुम कर रहे हो ना, हीरो टाइप का कम, ट्रेंडी टाइप के ज्यादा लग रहे हो। बस जल्दी चलो, लाश फूल के ऊपर को आ जाएगी। पिंकी भाई, हो विजय तो डूब के मरा, लेकिन हम सूझ के मरेंगे। क्यों, क्या बात हो गई? पिंकी भाई, अब पाइप पे क्या कर रहा हो? बीच में गुजाओ, छलांग मारो, छलांग। ना मिलो, अब मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बात सुने तेरी, क्यों उनके हाथ पे बोल दिया है? काम करो तुम। अब बात तो सुन लो पहले। क्या सुने, क्या सुने, क्यों बोल दिया बीच में? एक तो साला उसे बचाने से गया, उन्हीं के लिया छंतोलो छंतोलो। पिंकी भाई तुम अपने काम को करो। अरे मेरी बात सुन लो। ना चुपेगा तू, साले हाथ रख दूंगा तुम्हें आपके से। फालतू बोले यार। तो पिंकी भाई, मुझे ऐसा लगता है हमें नाव का इंतजाम करना होगा, लाश ज्यादा आगे चली गई। गांव वालों चलो, नाव का इंतजाम करते हैं, चलो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो नदी में डूब कर नहीं मरा, कर्जे में डूब कर मरा। तुम्हारी अब तो पहले ने बता सका साले बात को, उसकी लाश भी घर पड़ी है। घर पड़ी है? अरे पिंकी भाई, अबे इन्हें चूतिया बना दिया साले ने। अबे विजय नदी में डूब के ना मरा, कर्जे में डूब के मरा। आजो तुम भी आजो।
had borrowed 2000 rupees on his daughter feeding. जनरल साहब बोल रहे हैं कि विजय की लड़की की शादी का खाना बहुत ही टेस्टी था. बरोड बरोड 12 प्लेट खाई जनरल साहब ने. अबे कैसा ट्रांसलेटर है तू, तुझसे ज्यादा हिंदी तो मुझसे आती है. विजय ने अपनी बेटी की शादी पर मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे. अब जो भी कोई उसका अजीज और करीब है वो आगे आकर मुझे मेरा कर्जा लौटा दे. ला. क्या ला? मेरा कर्जा. कर्जा? मैं क्या उसका बाप लगूं मेरा कर्जा? अबे तो कुत्ते के पिल्ले आगे क्यों आया? मैं आगे कहाँ आया हूँ? किसी ने मेरी लात मारी है. जैसा तेरा मुंह है ना, तेरी तो जने क्या क्या माफी चाहिए. लास्ट वार्निंग टू यू, मुझसे किसी ने भी मुजोरी की तो कोड़ा ही कोड़ा फेरूंगा. जनरल कर्जा देना जानता है तो कर्जा लेना भी जानता है. सैंडी को उसकी बीवी को लेकर आ. बचाओ, कोई मुझे बचाओ. कोई मर्द नहीं है जो मुझे बचा सकता है, या फिर सब ना मर्द है. सर, मदर मिल्क चाइल्ड. मदर मिल्क चाइल्ड? मोंसी, जनरल साहब ये बोल रहा अमेरिकन, मिस्टर आती है ब्रिटिश. मेरे तो दिमाग से पार जा रही है इसकी बात. अरे जनरल साहब, इनका कहने का मतलब ये है इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो इसे. कुत्ते के पिल्ले, तुझसे ट्रांसलेट करना नहीं आता? मुझसे महंगे कपड़े पहनता है और सुबह तैयार होके ऐसे आता है जैसे तेरे पास ज्ञान का सागर हो, मगर तेरे पास तो ज्ञान की खुइया भी नहीं है. तुझसे तो बंगाली भी ट्रांसलेट नहीं होगी. बंगाली? बंगाली? जनरल साहब, बंगाली नाम सुनते ही बंगाली रसगुल्ले की याद आ गई. एक रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता. तो दो रसगुल्ले खिलाऊंगा, तू सबर कर ले थोड़ा, घर चल. जनरल, बहुत जुल्म कर लिया, बहुत हुई तेरी दादागिरी. आखिर कब तक हमारी माता बहनों को सताता रहेगा? कब तक हम पे जुल्म करेगा? अब बस, जाग गया है शेर, शेर, शेर जाग गया है. इनने मुझसे कहा कि ऐसा बोलती है जब जनरल आएंगे, और मैं इन पे जनरल साहब पे मुक्का फेरूंगा. इनने कहा मुझसे. क्या ये सच है? ये तो मना कर रहा है. ऐसा थोड़ी मना करे, ये ऐसा मना करे. कोड़ा लेके आओ मेरा. देखो देखो, घूर रिया मुझे, घूर रिया किस असली हम उससे. जनरल साहब, मैं घूर नहीं रिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ. ये जो विजय की बहू है बहुत गंदी औरत है, साफ सुथरी नहीं रहती. इससे अच्छी औरत हमारे गांव में आएगी, बड़ी इज्जतदार, तमीजदार, तहजीबदार और गद्देदार भी है इनकी बहू. बुढ़िया लोग आइए, बहुत पुराना मॉडल है वो, तो क्या करोगे उसका? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़िया भी चलेगी. तुम दो मिनट दो बिल्कुल, मैं इसे नीला धुला कर स्टैंड लगा कर किले पे लेकर पहुंच रही हूँ. आधा घंटे में किले पे दिखाई देना. जनरल साहब को बताने वाली बात. कौन सी बात? तुम नूना कह रहे थे घर जाके बताऊंगा. अच्छा, मोंसी, तुझसे हिंदी और इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं आता है. तू जहां भी जाता है मेरी नाक कटवाता है. ले पका, करेगा, जनरल साहब सब कुछ सीख लूंगा. अब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, अमेरिकन सब सीख लूंगा. जनरल साहब, मैं संस्कृत भी सीख लूंगा. छोड़ दो जनरल साहब. आज के बाद तूने अगर मेरी नाक खटाई तो तुझे काट के डाल दूंगा. गेट लॉस्ट यू ब्लडी एसहोल. कहानी में तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन विन के बारे में. ये लोग किस तरह से स्पोर्ट्स कार्स गिव अवे करते रहते हैं. यहाँ पर लकी ड्राइवर के एक कैंपेन चल रहा है, उसके अंदर काफी लकी लोग जो ऑलरेडी जीत चुके हैं, लैम्बोर्गिनी, फरारी, उरूज, टेस्ला साइबर ट्रक, मर्सिडीज और भी काफी क्रेजी कार्स. एंड वन विन यही नहीं रुक रहा है दोस्तों, ये जो इस बार गिव अवे लेकर आए हैं, लैम्बोर्गिनी उरूज मैंसोरी का गिव अवे कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, ये पिछले गिव अवे वाले सारे बंदे हैं. क्या बढ़िया किस्मत है इनकी, आप भी इनमें से एक हो सकते हो. बस आपको करना यह है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फ्री मनी के सेक्शन में जाना है, वहां आपको टिकट मिलेगा. ये टिकट आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट कराएगा.
और ये टिकट आप आगे भी खरीद सकते हो। जितने ज्यादा आपके पास टिकट होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कार्ड्स जीतने के। पैसे वगैरह डिपॉजिट करने के लिए फोन पे गूगल पे का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एविएटर लकी जेट जैसे गेम्स भी खेल सकते हो। सो पिन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उधर एक प्रोमो कोड भी है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो डिपॉजिट करते ही आपको 500% तक का बोनस भी मिल सकता है। सो गाइस जाओ और टिकट खरीदो। हैरी पिंकर, जब तुम्हारे बस की कुछ है ना तो बोलो क्यों हो। जब भी छोड़ता है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के छोड़ता, अपने बलबूते पे क्यों नहीं बोला जाता तुमसे। तुम्हारी बंदूक छोड़ने से हमारा कंधा भी छिल जाता और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसा नाटक मेरे साथ अब मत कर देना। हो गया तेरा, निपट गया खुजाली। जितना पैसा इस बॉडी में लगाया ना, अगर दिमाग में लगा लेता तो मेरी चलाकी तुरंत समझ जाता। अबे एकदम बता दिया मैंने, खट देनी मदर मिली चाइल्ड। मैं जनरल को गुमराह कर रहा था, विजय की बहू को लेकर जा रहा है। किसी की बहू के खातिर तुम्हारे चार कोड़े लग भी गए, तुम्हारी शान घट गई। शान घट गई, मेरी गांड फट गई। और देखना रहो तुम कैसे बैठो और हम कैसे बैठे हैं। ले हम भी ऐसी बैठ जाएंगे। बस मुझे नहीं आवे, हम भी ऐसी बैठ जाएंगे। ले अबे भैया जिसके साथ हो गए ना उसे पता लगे। अबे तू समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को। अगर मैं मुजोरी करता और मुझे जरा पकड़ कर ले आते, कौन संभालता इस गांव को, कौन है आके। मुझसे ज्यादा पड़ा हुआ, मैंने एकदम बता दी थी मदर मिली चाइल्ड। तुमसे वकील तक नहीं होता, मैं फंसा रह जाता। मां अगर तुम कोई से चले जाओगे तो मैं तू मिनट में वकील करके जमानत करवा लूं। हाँ पहले भी 2 मिनट में छुटा लिया, बता मुझे 2 महीने लग गए थे। वो तो उसकी कोर्ट की छुट्टी थी। तू मेरी बात सुन। अरे भैया इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं। सुन तो, अरे रिस्क से नाम बनता, बैठ तो सही बात तो सुन मेरी। इसमें तेरी भी भलाई है और गांव वालों की भी भलाई है। मैं क्या अपने काम के लिए कर रही हूँ क्या, मेरे मजे हैं क्या इसमें। आज विजय की बहू को लेकर जा रहे हैं, कल कल आऊ तेरी बहू को लेकर क्या करेगा। मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने का, मेरी बहू ही ना है। तेरी अम्मी को लेकर कितनी खूबसूरत है वो। नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा यार। जो दुश्मन का सीना फाड़ दे ऐसा तीर है तू, जो कह दे वो करके दिखा दे। पत्थर की लकीर है तू, जुल्म एक जलजीर है उसे तोड़ने वाला वीर है तू। दुश्मन को तलवार से और दिमाग से हरा दे ऐसा सूर वीर है तू, सूर वीर है तू। और भैया फटे हुए दूध की खीर है तू, जलजीर है तू, फकीर है तू, अमीर है तू, जमील है तू, सदीक है तू। अरे बस 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 मुझे तैयार करो, मैं जाने को तैयार हूँ, आओ। Hey, excuse me. Yes, जनरल साहब। जिस लड़की को हम गांव से लेकर आने वाले थे उसका क्या हुआ? वो आपके रूम में पड़ा है जनरल साहब। बे कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? वही लड़की जिसको यहाँ पर गांव वाला छोड़ कर गया है। वो लड़की? बे वो तो मैंने टॉयलेट में लगाई सफाई पे। अबे मुंशी टॉयलेट पर लगाने को थोड़ी लगाया हम उसे। मुगलों का जमाना चला गया, अंग्रेजों का आ गया, लेकिन तुझ में दिमाग नहीं आया। जनरल साहब आप में कब दिमाग खाएगा, आपके पास इतना रशियन है, इतना रशियन है, इतना रशियन है, ऐसा चीन खिला भर जाएगा, लेकिन तुम्हें एक घसियन के पीछे पड़ा है। अब मजाक मार रही है, रशियन रशिया यहाँ रखा, बहुत दूर है, तमाम पैसा खर्च हो जाएगा वहां तक पहुंचने में। साला पूरा स्टाफ भी फालतू बोल लिया, पूरे को चेंज करता हूँ, रुक जा। हेलो। यस जनरल, बताओ क्या चाहिए आपको? सर मेरे को ना एक्चुअली अपना पूरा स्टाफ ही चेंज करना है, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। आप स्टाफ चेंज करने की बात कर रहे हैं? हम तो जनरल चेंज करने की सोच रहे थे। सॉरी सर, सॉरी मिस्टेक से कॉल आ गया है, बच्चे ने बटन दबा दिया था उल्टा सीधा। खेर दो चेंज। ये जो आइटम है ना मेरे पास, तुझे इसका इलम है? नहीं। ये ना तेरे पिछवाड़े में 2-6 दौर कर देगा। अब जल्दी से जा और केले और दूध का इंतजाम कर, और तुम ना उस लड़की को निलवा करके। Who are you? नौकर हूँ मालिक, साफ सफाई करने आया था। मालकिन गुसल खाने में आपका इंतजार कर रही है।
एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कभी पहले सावर नहीं लिया? तुमने तो कहाँ ही लिया होगा, क्योंकि तुम आज से पहले पैरों में ही नहाई हो। खुद तो कमीनो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जनरल को धोखा दिया? कहाँ है वो दोनों कुत्ते के पिल्ले, बाहर निकालो उन्हें। बास्टर्ड्स, बाहर निकल जाओ, वरना तुम दोनों की वजह से पूरा गांव सजा भुगतेगा। सोल्जर्स, कैच हिम। लड्डू, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है इंतकाम लेने का, इन गोरों को खदेड़ के यहां से भगाने का। मेरे शेर तैयार हो जा, ले जा और इन पे फेर दे और भगा दे। अरे पिंकी भाई, मुझे माफ कर दो, मेरे घर में अम्मा बहन है, मुझे उन्हें पालना है। मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ, अभी तो इनसे बच गया हूँ। अगर ये लड़ाई झगड़े करने हैं, मारना है, पीटना है, तो तुम खुद करो, मुझे आगे क्यों कर दो तुम बार बार। मैं न जाने कहूँ, लो पकड़ो। अरे यार, मैं चला जाता, तुझे पता ना मेरी कितनी हालत खराब है, मैं जख्मी हूँ भाई। हाँ, बड़े भारी जख्मी हो, जरा सारा नकोटा तो फटा तुम्हारा। अरे तो इसमें भी बहुत दर्द हो रही है, कुलल मच रही है, चीज हो रही है यार। नहीं, मैं इतनी देर में फेर फार का आया था इन पे, जा तू। खामखाल की बात मत करो, मैं जाने को। अरे गोर आ रहे हैं। अबे भाई साहब, तुम भी चले जाओ, छाता हम पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। मैं को जाऊं भाई? मैं तुम्हें पता ना है मैं तुम्हारा ट्रांसलेटर हूँ। ट्रांसलेटर? अबे तुझे वर्ड मीनिंग का पता है कुछ? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कुछ पता है तुझे? हाँ पता है। बती पास्ट को क्या कहते हैं? पास्ट का मतलब होता है जल्दी से छाता लगाना। तेरी बे साले, पास्ट को कहते हैं भूतकाल, जैसा तेरा मुंह है भूत जैसा। और जो तू दिन में तीन तीन टाइम नहारिया है, क्यों नहारिया तो तीन तीन टाइम? पता है ऊपर जाकर हिसाब देना पड़ता है पानी का। वो तो मैं गोरे होने की वजह से नहाता हूँ, तुम्हारे तेरे मैं भी अंग्रेज बनना चाहता हूँ। ओफो, अंग्रेज बनना चाहते हो? अबे जैसी तेरी चमड़ी है ना, यू 7 साल भी इस पे कोई जूना रगड़ेगा ना तबीयत से, तो भी इसमें 19-20 का फर्क नहीं आने का। मेरा जूता और तेरा मुंह, मेरा जूता तो साफ हो जाएगा पुलिस से, तेरा मुंह नहीं होने का जिंदगी में भी। जा चला जा। बे ऐसे क्या चला जा भाई, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारी भी कुछ इमेज है। तेरी इमेज तो घर चल के निकालूंगा मैं। जनरल साहब, इसका आदमी एक भागने में सफल हुआ और ये फाकरा गया। अरे मैं कहाँ भाग रहा है यार? नहीं जनरल साहब, झूठ बोल रहा है। अरे यार, वो मेरा आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था, तुम दोनों मेरे पीछे भाग रहे, तो मैं तो उसे ही पकड़ ले जा रहा था, उसे पकड़ के जनरल साहब को देता मैं। नहीं जनरल साहब, झूठ बोल रहा है। अरे यार जनरल साहब, मैं नहीं भाग रहा था यार, अपने आदमी को नहीं पहचानने भाई तुम। अरे यार जनरल साहब, तुम हमारे गांव में कितनी बार आ गए, मैंने आज तक तुम उल्टा बोला है, कभी मुजोरी करी है, गाली बगी मैंने तुम्हें यार। तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं उसे भी पकड़ के लेकर आता हूँ। अबे ओ साले, चालाक बन रहा है, तुझसे बड़ा चालाक इस पूरे गांव में कोई भी नहीं है। तूने उस दिन भी बता दिया था मदर मिल्क चाय, तेरी चालाकी तो मैं निकालूंगा, लेके चलो साले को। ना, ना। फांसी के लिए लेके जा रहा हूँ। फांसी? मैंने क्या करा है यार जो मुझे फांसी दोगे? जिसकी गलती है उसे तो तुम कुछ ना कह रहे। मैं जानता हूँ तेरा दिमाग कैसा है, और वो भी तेरा दोस्त ही है ना, और मुझे पता है जब मैं तेरे को फांसी पर चढ़ाऊंगा तो वो तुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, और वो भी पकड़ा जाएगा। ये बात दिमाग से निकाल दियो, वो इतना जंगली सुअर आदमी है, मेरी मैयत तक को कंधा देना ना आगा, बिरयानी खाना आ जाएगा। है भाई, तुम्हारे यहाँ वाला रिवाज नहीं है क्या, जैसा आखिरी उखरी इच्छा पूछे?
नहीं, वो वाला रिवाज हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन पहले था। क्यों? अबे यार, मैंने एक से उसकी आखिरी इच्छा पूछ ली, उसने साले ने मेरी बीवी मांग ली। बताओ ये कोई बात सही है? इसलिए मैंने साला वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। गलत बात है यार उसकी। चलो भाई तुम अंग्रेजी कुत्ते, छोड़ दे पिंकी भाई को। पिंकी भाई तुम्हें बचाने योद्धा आया है, ले सीने पे तीर खा। शूटिंग, पकड़ के लेके आओ कुत्ते को। रे चीता, बाघ जैसा दिमाग, इतनी तेज भागता किसी का हाथ ना आगा। इनके हाथ आ रही है, जरा से सिपटिए, दो भेज दिए तुमने यार। अरे मारो 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 मत, मैं ऐसे चल तो रहा हूँ यार। मानने की क्या बात है इसमें, मैं कहीं को भाग रहा हूँ। तू तो कह रहा था कि लट्टू किसी के भी हाथ नहीं आएगा, ये तो मेरे सिपाहियों के ही हाथ आ गया। जूते पहन रखे हैं इन्होंने और मैं हूँ नंगे पैर। जूते पहनवा दो, अगर इनका हाथ आ जाऊं तो मैं नहीं जानी है। तुझे मेरे माथे पे छूतिया लिखा नजर आता है क्या? सिपाहियों, इसको और इसको दोनों को नदी में फेंक दो। समझ में नहीं आती, ये साले अंग्रेज लोग सिर्फ अंग्रेज होते हैं और हम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, जैन, बौद्ध, ये वो तमाम तरह की वैरायटी होती है हमारे अंदर, ऐसा क्यों? हाँ यही तो हमारी कमी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये साले अंग्रेज बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, हमारे लोगों के अंदर एका नहीं है। हम अपने ही जैसे दिखने वाले को अपने से नीचा समझते हैं। जिस दिन हम में एका हो गया ना, ये गोरे एक भी न दिखेंगे हमारे देश में। तो हमें एका कायम करना चाहिए। हाँ तेरी भाभी इंतजार कर रही है, चल। आसमीना। हाँ ले, इस रकल मारी में। क्या है? अरे जितना कह रही हूँ इतना करना। बताओ तो। सोना है सोना। हाँ सोना, ये कहाँ से आया? ये अपनी पास वाली नदी है ना, इसमें निकल लिया। अच्छा, अगर ये बात किसी को पता चली ना तो ये ही लगली फिर हुआ। बावले हो रहे हो तुम, अपने घर की बातों को किसी को बताई जा में है, मैंने बताने की। ध्यान रखिए, पता ना चलिए। आओ भी पिंकी भाई, सोना निकालने चल रहे हैं। सोना? औरतों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती है? शाम तुझे मैंने सोना दिखाया, 1:30 बजे हम दोनों सोए हैं, तू किस टाइम जाकर बाहर बताई आई? वो ना मेरी 2 बजे आँख खुल गई तो रुखसाना अपन घर पानी लेने चली गई मैं। बाजी मेरे आदमी को ना ये अपनी पास वाली नदी ना इसमें सोना मिला, पर बाजी देखियो मेरे आदमी ने ना मना करा, तुम किसी से बताना मत बिल्कुल भी। तूने चुगलखोर समझ रखा है क्या? आज तक तेरी बात इधर से उधर करी है। चुगलखोरों की तो बख्शीश भी नहीं है, लोहा पिघला के मुंह में डाला जाएगा। मैं बहुत बचूं इन चीजों से। बाजी तुम ना मेरी बहन जैसी हो इसलिए बता रही हूँ, और कोई बात ना। ठीक है रात बहुत हो गई, सो जाके। बहुत गलत कर दिया आसमीना, बहुत गलत। उनने कसमें खाई है किसी से न कहने की, मैं पूरा गाँव बाहर खड़ा। मतलब पिंकी भाई अकेले अकेले सोना निकाल लो, चचेरे भैया को भी खबर न दे रो। अरे बताता यार, मैं पहले चेक करवाता मन की कभी पीतल उतल हो, इसलिए बाद में बताता मैं। तो इसमें पूरे गांव की भलाई है भाई, बहुत बढ़िया चीज है कि हमारे यहाँ सोना निकल लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये राज सिर्फ राज रहे, धन राज ना बन जा। अगर गोरों को ये पता चल गया ना कि हमारी नदी में सोना निकल रहा है तो हमें दुगनी गुलामी करनी पड़ेगी। ये बात सब दिमाग में डाल लो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। चलो अब मेरे साथ।
गांव वालों, तुम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना? तुम भूखे नंगे लोग रिवर से सोना निकाल रहे हो और उसको बेचने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुस्ताखी, जो कि तुम लोगों ने जनरल के साथ की है। और जब गुस्ताखी की जाती है तो उसकी सजा भी मिलती है। और उसकी सजा क्या है? आज तक मैं तुमसे सिर्फ एक गुना लगान लेता था, लेकिन अब मैं तुमसे 3 गुना लगान लूंगा। ऐसे कैसे दे देंगे हम 3 गुना लगान? हम तो भूखे मर जाएंगे। गेट दैट डॉग। गांव वालों, किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश अगर की तो उसका अंजाम सिर्फ यही होगा। और मैं तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों से रिवर में से सोना निकलवाना है। पिंकी भाई, सोने के राज के बारे में या तो तुम्हें पता या मुझे पता था या फिर गांव वालों को, लेकिन अंग्रेजों को कैसे पता लगा? इस बात का पता लगाओ तुम, तुम्हें बहुत दिमाग है। अरे यहाँ तो मेरा दिमाग भी फेल हो गया यार। सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही अंदर है, तो ये पता। लेकिन यहाँ पे आन के मेरा खुद का दिमाग फेल हो गया। इस बात को सोच सोच के मेरा दिमाग खराब है, लेकिन मैं पता लगा जरूर रहूंगा। और हाँ, मारूंगा मैं उसे। तू हाथ नहीं लगाएगा, पहली बार पिंकी किसी को काटेगा, पहली बार। तुम टेंशन मत लो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम तो अपनी दिल की भड़ास निकाल ली, लेकिन तुम पता लगाओ। दिमाग तो मैंने लगा दिया है। बिल्कुल ठीक है। लड्डू, आप इनके भाई, मैंने जनरल को मारने का बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा है। क्या है, जल्दी बताओ मुझे। पागल हो रहा है क्या? सबके सामने बताने की बात नहीं है। तू रात को मुझे बड़ के पेड़ के नीचे मिलना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। लड्डू, इसी रास्ते से जाता है जनरल, इसी रास्ते से। इसी पेड़ पे लाश टांग देंगे, इसी पेड़ पे। हाँ पिंकी भाई, तुम बिल्कुल ठीक करो। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इसी पेड़ पे लाश टांगेगी जनरल की। ओए, ये बात तय नहीं हुई थी भाई? देख, पिंकी भाई ही मारेंगे इसको, तू पीछे खड़ा हो। अरे लड्डू, लड्डू भाई है, लड्डू भाई मारो, संटी फेरो। करेगा मुखबरी? पिंकी भैया, मैं मुखबर ना हूँ, मैं तो सोच के ले आया था। सोच के लोटा कहाँ तेरा लोटा? लोटा ना तो सब बचेगा साले। अंग्रेजी शराब की बदबू। ऊपर ऊपर ऊपर, अरे तेरी वजह से दोबारा गुलाम हो गए हम, दोबारा। कृपया मुझे माफ कर दो, देखियो मैंने तुम्हें धोखा दिया। पिंकी भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखियो कृपया करके मुझे माफ कर दो, उन पर रहम कर लो। जा, माफ किया, टल जाए सजा कालिए। बस अभी इतना ही सोना निकला है, जल्दी जल्दी सोना निकालो, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है।
बास्टर्ड, नमक हराम, इधर सुन। जनरल साहब, ये कुत्ते का पिल्ला सोना चुरा रहा था। नहीं नहीं जनरल साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी वफादार मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। कुत्ते, तेरी इतनी जरूरत कि तूने मेरा सोना चुराया? नहीं जनरल साहब, आज के बाद नहीं होगा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो जनरल साहब। नहीं जनरल साहब, नहीं जनरल साहब, नहीं जनरल साहब, माफ कर दो, माफ कर दो, आज के बाद नहीं होगा। धोखेबाजों की हमें कोई जरूरत नहीं है, नदी में फेंक दो इस चाची चौक को। जनरल साहब, मुझे छोड़ दो, उसके छोटे छोटे बच्चे, मैं बचा लाऊंगा उसको, मुझे भेज दो जनरल साहब, डूब के मर जाओगे। जाके सोना निकाल ले वरना तुझे भी जान से मार दूंगा, चल। क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहे? साहब, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे घर भेज दो, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। आई डोंट केयर कि तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम पूरे खराब हो, तुम्हारा आराम का वक्त सिर्फ शाम का है, जाओ चुपचाप काम पे लगो। साहब, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे घर भेज दो। कुत्ते के पिल्ले, कुत्ते के बच्चे, बहुत जान है ना इन बाजुओं में? बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो हो जाए फिर दो दो हाथ। मंजूर है। आज से एक हफ्ते बाद कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर हम जीते तो क्या दोगे? अगर तुम कुश्ती में जीते तो जो तुम चाहो वो करा सकते हो। अगर हम जीते, हम तुम्हें एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देंगे। ओके। ना ही नदी से निकलने वाला सोना। ऑफ कोर्स। और हमारे गांव को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। व्हाई नॉट। लेकिन अगर हम कुश्ती में जीते तो तुम क्या करोगे? हमारी नस्लों से लेके फसलों तक तुम्हारी गुलाम रहेंगी। हमें पिंकी भाई की शर्त मंजूर नहीं है। नहीं है, नहीं है। छुपा देखो तो, अब इस कुश्ती को कोई नहीं रोक सकता। अपनी हड्डियां टूटवाने के लिए तैयार रहो। पिंकी के इस फैसले से पूरा गांव नाराज था। सभी गांव वाले उसके खिलाफ हो गए थे। कोई भी उसके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन एक लड्डू ही था जो इतने कठिन समय में उसके साथ खड़ा था। पिंकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। जल्दबाजी में जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है। हम उस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें पड़ी लकड़ी लेने की? जो भी चल लिया था सही चल लिया था। है भाई, खुद को भूमन समझ रहे हो? उसके लिए भी मंदिर मस्जिदों में तमाम दुआ हुई है। नफ्सा नफ्सी का आलम तो तब जाके जीता वो। और उन्होंने खेला क्या था? गेंद बल्ला। और तुम क्या खेलोगे? ओफो, कुश्ती। हाँ भैया, हम तो सख्त खिलाफ है, देखो तुम्हारे। देखो भैया, हम ना बंदे के किसी गुलाम, ठीक है ना? चुप। अब आप गुलाम नहीं हो तुम लोग। अब कौन से आजाद हो? तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है, कौन आजाद है? अबे तुम गांव वाले जितने भी हो ना, सब साले कटवाने लायक हो। अबे तुम हमेशा नकारात्मक सोचते हो, कभी सकारात्मक भी तो सोच के देखा करो। सोचो, जो नहर में सोना निकल गया है वो सोना हमारा होगा। पता कितना सोना, बेहिसाब सोना है। हम खुद की दुबई बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन तुम तो साले उल्टा सीधा सोचते हो। अब आजादी कोई ऐसे मिल नहीं घर बैठे बैठे। अब आजादी के लिए लड़ना पड़ता, जूझना पड़ता, मगर तुम तो ये चाह रहे हो हम घर में बैठ रहे ना बहू के पास और हमें आजादी मिल जाए। आजादी के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं पिंकी भाई के साथ हूँ। अबे तुमसे अच्छा तो सालों कचरा था। अपाहिज आदमी ने कितनी प्यारी बोल डाली है, 3 विकेट झटके उसने, लेकिन तुम जरा सी बात हुई, हम इस फैसले के खिलाफ है, हम इस फैसले के खिलाफ। सालों तुम पे संटी फिरनी चाहिए। ऐसी बात है तो हम पिंकी भाई के लिए चड्डी सिल देंगे। जब भैया साथ देने की बात आई गई तो अखाड़ा हम खोद देंगे। अगर मर मर आ गए त
तो कबर हम खोद देंगे। पिंकी भाई एक बात बताओ, हमने तुम्हें लड़ते हुए तो नहीं देखा, तुम कुश्ती लड़ोगे कैसे? दिमाग, मेरे पास एक नौजवान है, हट्टा गट्टा तंदुरुस्त, मिठाइयों का राजा, मेरा लड्डू। ए, मैं ना लड़ूंगा ये मुकाबला। ए, तुम पागल हो रहे हो? देखो ये पिंकी भाई, अब तक मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इस फैसले के मैं भी खिलाफ हूँ, मेरे बस की नहीं लड़ना पड़ना। तू समझ क्यों नहीं रिया बात को? तेरे अंदर जज्बा है, जुनून है, गुर्दा है, तू जिगर वाला है। तुम्हारे अंदर ना क्या, तुम ढीले हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है, तुमने शेर भी मार रखा, खाल दिखाई कई बार तुमने हमें। अरे यार वो शेर मैंने ना मारा यार, मैं जंगल से आ रहा, हाथी के पैर के नीचे दबका मर गया, मैंने उसकी खाल उतारी और गाँव में को ले आया, मेरा दबदबा बन जाएगा। और दो एक दिन पहले मैं घर में को ना गया बड़ी ऐंट में, तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी बहू को मारा खूब, मुझे उल्टा मेरी बहू ने मारा। कसम खा कर एक बात बताऊँ ना, सब में ढीला आदमी मैं ही हूँ इस गाँव में यार। लेकिन हाँ, दिमाग का मैं बहुत तेज हूँ, मैंने वहाँ भी एकदम बता दिया था। मदर मिल्क चाइल्ड? हाँ बता। मुझसे और भी बहुत कुछ आता है, जैसे सॉरी, ओके, और जो पेशाब करने जाते हैं उसे बोलते हैं टॉयलेट, और रात को बोलते हैं गुड नाइट, और गुड आफ्टरनून बोलते हैं हल्की दोपहरी। और भैया एक आइटम और भूल गया हूँ मैं, वहाँ व्हाट इज योर नेम उसको बोलते हैं कि मैं खाना खाने जा रही हूँ। यार इतना तो हमें भी पता, व्हाट इज योर नेम का मतलब वो है तुम्हारा नाम क्या? हाँ मतलब मुझसे बहुत सारे आइटम आते हैं, मध्य के जमाने का हाई स्कूल पास हूँ मैं यार, मैं इस बात में ही तो तुमसे आगे हूँ, और तो सब में पीछे ही हूँ, दिमाग का बहुत तेज हूँ। तो यार पिंकी भाई बात बताओ, ना तो मुझ में ताकत और ना मुझसे दाव पेच आते, मैं कैसे लड़ूंगा ये मुकाबला? हिम्मत, हिम्मत तेरी, दिमाग मेरा, दोनों भाई मिलके इस जंग को जीतेंगे और इस गांव को आजाद कराएंगे। ठीक है तो फिर पिंकी भाई, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लड्डू जिंदाबाद, लड्डू जिंदाबाद, पिंकी मुर्दाबाद। कर ले तैयारी, अड़ जा तू भारी, ऐसी तैयारी। मैं सेना तू भी जहट, हर काम में हिम्मत से डट, सबको तुझसे उम्मीद है, ये सबसे बड़ी जीत है, अब तेरे ही कांधे पे है सारी जिम्मेदारी। कर ले तैयारी ऐसी तैयारी, बढ़ जा तू बारी। जरूरी है इस जंग को अब जीतना, तेरी मजबूरी है। ना दिन दे ना शाम दे, ना दर्द दे ना आराम दे, अब देख कितनी बाकी रह गई है तैयारी। कर ले तैयारी, बढ़ जा तू भारी, ऐसी तैयारी।
भी तुम लोग नहीं जीते हो। क्यों क्यों नहीं जीते हम लोग? ये तो बेईमानी हुई। जैसे बकरी का दो थन होता है वैसे हमारा दो पहलवान है, तुमको उसको भी हराना होगा मुंशी। पहलवानों के पहलवान बोनी पहलवान आ रहे हैं। अरे बोनी, चलो सारी बोनी आ रही है, उसे भी पटक पटक कर जल्दी आ जा। ठीक है यहीं बैठा हूँ मैं, जीते जीता है यार। जल्दी से भेजो बोनी को, शरीर में गर्मी है, उसे भी पटकूं। आ जा भाई बोनी। अरे अरे यह है बोनी, ये तो कोनी है, तोड़ के डाल देगा मैंने लड़िया। चल चल चल। अरे पिंकी भाई तुम समझ नहीं रहे, तुम पागल हो रहे हो, इसका शरीर तो देखो कितना चौड़ा शरीर है इसका। अरे यार भाई ये पटक पटक के मारेगा, हार जाएंगे हम। अरे कुछ भी ना है, तू शेर है शेर, कर दे इसे ढेर। कोई शरीर पर ना इसका भूख भरा हुई है, क्या है जैसे मैं इसका कहीं। लड्डू तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें लड़ना होगा। हाँ हाँ हाँ, लड़ना ही होगा। ठीक है। इस तरह से अंग्रेजों को अपने लालच और अहंकार की वजह से मात खानी पड़ी। रानीबाग अब पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था, ये रानीबाग के लोगों का मानना था। लेकिन अब्बा अब्बा रुको तो, अब्बा मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हारा अब्बा नहीं हूं। अब्बा रुको तो, अब्बा अब्बा अब तक मुझे ये बताया गया था कि मेरे अब्बा मर गए, लेकिन अब्बा तुम तो जिंदा हो। हाँ मैं मर गया हूँ कुछ दिलों के लिए, ये सब मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया। क्यों? जो तुम अब कर रहे हो ना
ये मैंने 20 साल पहले किया था। मैं भी बहुत लड़ा गांव के लिए अंग्रेजों से, लेकिन किसी गांव वाले ने मेरा साथ नहीं दिया। गांव का एक और एक आदमी बुजदिल और रंडी टाइप है, इसलिए मैंने गांव छोड़ दिया। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने इतनी सी कुश्ती जीत के आज़ादी पाली? अब इससे ही बड़ा सैलाब आएगा। अब्बा, क्या उस सैलाब में तुम अपने बेटे का साथ दोगे? नहीं, मैं किसी बुजदिल का साथ नहीं दूंगा। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। अब्बा, तुम्हें अपने बेटे का साथ देना होगा। तुम्हें अम्मा की कसम, अपने बेटे का साथ देना पड़ेगा। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। दोस्तों, लक्की भाई की कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन हम उनके साथ पहले जैसे मेहनत करते थे, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और लक्की भाई के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।